नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, हैवेल्स इंडिया उसमें आज जिस प्रकार की गिरावट दिखाई दे रही है वो बहुत ज्यादा सीवियर होती चली जा रही है। और अभी जब मैं 2:15 बजे लगभग 2:15 में ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, तब ये शेयर 4% से भी ज्यादा टूट चुका है दोस्तों। तो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि अब हैवेल्स इंडिया में ऐसा क्या हो गया है और क्या ऐसी कोई न्यूज आई हुई है। तो दोस्तों, उन सब में चर्चा करेंगे और जानेंगे कौन सा लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सपोर्ट के लिए, और जिन लोगों को एक्यूमुलेट करना है ये शेयर को वो कौन से टेक्निकल लेवल्स को ध्यान दे रखना चाहिए, और ये गिरावट कहां तक जारी रह सकती है। ठीक है दोस्तों, सब में एक एक करके चर्चा करेंगे। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, ताकि आप लाइक करेंगे तो यूट्यूब दूसरों को भी ये रेकमेंड करेगा। तो लाइक कर दीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब का रेशियो बहुत कम है दोस्तों हमारे चैनल का। तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि ऐसी न्यूज आपको फटाफट मिलती रहे दोस्तों। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले शेयर प्राइस की तरफ। देखिए आप, 4.12% ये शेयर टूट चुका है दोस्तों, और ये लगातार भयंकर गिरावट ना सीवियर होती चली जा रही है। और मैं बता दूं हैवेल्स इंडिया को लेकर के, कि जो 1220 से लेकर के 25 का जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों, ये टूट चुका है। तो यहां तक अब सिंपल 1200 रुपए का जो डोर था, ₹1200 का जो रुपए डोर था, वो बहुत सीवरली ओपन हो गया है और गिरावट आपको दिख सकती है दोस्तों। ठीक है, 1200 तक भी, लेकिन उससे ज्यादा गिरावट नहीं होगी क्या, ऐसा कोई नहीं बोल सकता दोस्तों। बिल्कुल गिरावट हो सकती है 1200 नीचे, लेकिन जो इन्हें इन्वेस्ट करनी है दोस्तों वो ₹1200 से ना, एक ₹1200 से एक्यूमुलेशन दोस्तों शुरू कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, ठीक है, आप 1200 रुपए का एक्यूमुलेशन करना शुरू करें तो क्या होगा कि जो कि देखो, बॉटम किसी को नहीं पता दोस्तों, खासकर आज के मार्केट में। और टेक्निकल्स का तो आपको मैं बता दूं, आपको दिख ही रहा होगा जिस प्रकार से एलेम्बिक फार्मा और बिंदो फार्मा और जो बड़े बड़े फार्मा स्टॉक्स हैं और जो सिंफनी है, जो व्हाइट गुड के स्टॉक है, जिस प्रकार वो सीवियरली जो गिरावट दिखाए दोस्तों, उसमें से ना ये हैवेल सब बचा हुआ था दोस्तों। आपको याद होगा सिंफनी के शेयर जिस प्रकार गिर रहे थे, उसके बावजूद हैवेल्स का शेयर बचा हुआ था, और मुझे लग ही रहा था यहाँ प्रॉफिट बुकिंग का बात है। और आप देखिएगा, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, पिछले 6 महीने में दिखाऊं मैं आपको, तो 6 महीने में तो ये आपको रिटर्न अच्छा दे रहा है। 1 महीने में आप करते हैं, इस शेयर ने 4.4% का एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। लेकिन आपको एक चीज दिखाता हूं मैं, आप पिछले मतलब ये जो डाउन साइड है, ये जुलाई का डाउन साइड है दोस्तों, देखिए और करके पिछले 6 महीने में चलते हैं, क्योंकि एक सीवियर गिरावट। हाँ, अप्रैल में आप देखिए लगभग 6 आपको दिखेगा ये कि लगभग 990 रुपए का इसने एक लो लगाया था। उसके बाद से आप देखिए अभी, यानी अप्रैल से, मतलब लगभग अभी 30 अप्रैल से लेकर के 9 अगस्त के बीच देखिए आप, ये शेयर ऑलरेडी 24% का रिटर्न दे चुका है दोस्तों। तो इसके बाद एक प्रॉफिट आना ये कोई गलत नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग है, और जो कि एक नॉर्मल सी चीज है दोस्तों, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि इतने अच्छे रिटर्न के बाद कोई अगर प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमें देखना है ये चीज दोस्तों, क्या कोई बड़ी डील हुई है, बल्क डील हुई है, या ऐसा कोई न्यूज है जो अभी हमें नहीं समझ में आ रही, आने वाले समय कुछ हैवेल्स को लेकर के न्यूज आए तो दोस्तों मैं अगर कोई न्यूज आती तो आपको बताऊंगा। बट राइट नाउ जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी ऐसी कोई न्यूज है नहीं है, और मुझे सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है, और जो समय के साथ बहुत ज्यादा सीवियर हो रही है, क्योंकि आजकल शॉर्टर्स जो भी जब भी मौका उन्हें मिल रहा है वो शेयर को बहुत दबा करके दोस्तों गिरा रहे हैं, और जो हैवेल्स है वो भी इस गिरावट का ही शिकार है दोस्तों। और 1200 रुपीज एक अच्छा खासा सपोर्ट है, तो जो कोई एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है दोस्तों, जिनको थोड़ा सा बोलते हैं ना, जो रिस्क कम लेते हैं, उन्हें 1200 का लेवल के आसपास देखना चाहिए, कि अगर वहां से और सीवियर गिरता है तो दोस्तों फिर ये लगभग आप मानिए 1175 के आसपास भी जा सकता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसे 1200 रुपए से अभी एज ए इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म के ले रहे हैं दोस्तों, उनके लिए तो ये अच्छी चीज है, छोटे छोटे अमाउंट में एक्यूमुलेट करते रहे दोस्तों, 12 से शुरुआत करें और बोले कि भाई हर 5 से 7% की गिरावट में मैं इसे एक्यूमुलेट करूंगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये गिरावट कहां तक जा सकती है दोस्तों, नहीं पता। लास्ट टाइम ये 990 से लेकर के 975 से ये बाउंस बैक किया था, बट मुझे नहीं लगता दोस्तों यहां तक ये जाने वाला है। 1200 के आसपास देखिए ये रुक रहा है, मैं जब वीडियो बना रहा हूँ, हमें देखना है जब 2 बजे के बाद ना दोस्तों, 2-3 बजे के बीच के आसपास अगर ये 1200 का सीवियर तोड़ता है तो ये थोड़ा डरावना होगा। लेकिन जब तक मैं आपको बता दूं, ये वीडियो बना रहा हूँ,
कुछ भी आप देखिए गिरावट नहीं हो रही है। और ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट की बात करें तो मैं आपको दिखा दूं कि हैवेल्स इंडिया टारगेट प्राइस 1330 रुपए का दे रखे हैं, आईसीआईसी सिक्योरिटीज की टारगेट है दोस्तों ये। और बात करें दूसरे टारगेट की तो मैं आपको दिखा दूं, आप देखिए ये है आईसीआईसी डायरेक्ट ने भी 1335 की एक टारगेट दिया हुआ है दोस्तों, यानी जो इनकी टारगेट है दोस्तों अच्छे खासे अपर लेवल के हैं। और करंट मार्केट प्राइस से बात करेंगे आप कि करंट मार्केट प्राइस से अगर मैं बात करूं तो कम से कम आप मान के चलिए 10-15% का अप मूव आराम से ये शेयर के टारगेट दिखा सकते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे इससे बहुत ज्यादा उम्मीद है, हैवेल्स एक वन ऑफ द ग्रेट स्टॉक है दोस्तों। और अगर कोरोना वायरस की थर्ड वेव नहीं आती है दोस्तों, थर्ड वेव अगर नहीं आती है तो आप मान के चलिए इस बार एक और एक बहुत अच्छा रिजल्ट हैवेल्स पेश करेगा दोस्तों, क्योंकि एक अच्छी पोर्टफोलियो है। और हैवेल्स को लेकर के दोस्तों मैंने एक कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस की एक वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, जिसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा। वहां जाकर के आप अगर आपको इन्वेस्ट करना है हैवेल्स इंडिया जैसे शेयर में तो आप जाकर के वहां एक बार वो पूरा वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि क्यों हैवेल्स इंडिया एक बहुत अच्छा स्टॉक हो सकता है आपके पोर्टफोलियो के लिए। दोस्तों ये कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरी पर्सनल राय है। आपको कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार दोस्तों सलाह जरूर लेनी है, ठीक है दोस्तों। अभी जो है ना, जो व्हाइट गुड्स के जो प्रोडक्ट्स थे, और जो इस बार अगर इस क्वार्टर में आपको दिख रहा होगा कि इस क्वार्टर में फिलहाल तो कोई भी अगर सदर्न इंडिया को छोड़ दे दोस्तों, ठीक है, साउथ इंडिया या सदर्न इंडिया को छोड़ दे हम लोग, तो उत्तर भारत में अभी कोरोना की वो लहर नहीं है दोस्तों, इसीलिए जो बिजनेस है वो थोड़ा अच्छा चल रहा है दोस्तों। इसीलिए हमारा मानना ये है कि इस बार जो क्वार्टर इनके रिजल्ट्स आएंगे वो काफी अच्छे आ सकते हैं दोस्तों, इसीलिए हर एक गिरावट में दोस्तों हमें खरीदारी करनी है। लेकिन जो मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, बल्क से हमेशा बचना है दोस्तों, ठीक है, जो बल्क डील है ना, बल्क अमाउंट में खरीदारी उससे बचना है, क्योंकि मार्केट अभी दोस्तों बहुत वोलेटाइल है। गिरावट में अगर कोई शेयर आता है तो इतना गिरा दिया जाता है उसे कि जितना कोई सोचा नहीं रहता है। और आपको पता है अरबिंदो को देख ले, एलेम्बिक को देख ले, अमर राजा बैटरी जब से गिरना शुरू हुआ दोस्तों अभी तक संभल नहीं पाया है। लेकिन मैं पर्सनली बताऊं, मुझे अमर राजा बैटरी बहुत पसंद है और मेरी खुद की उसमें स्टेक हो सकती है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए दोस्तों हैवेल्स इंडिया में हर एक गिरावट खरीदारी का मौका है। और दोस्तों मेरा जो लास्ट वीडियो हैवेल्स में बना था उस समय भी मैंने कहा था कि 925 के आसपास एक बहुत 975-80 के पास जब ट्रेड कर रहा था, मैंने कहा था यहां से आपको बल्क डील लेना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि शेयर काफी ऊपर इस तरह से गिर चुका था। अब आप बताएं जब वहां से लिए होंगे, वहां से लगभग 10-15% क्या दोस्तों, आप मान लीजिए लगभग 15% का अप मूव ऑलरेडी उससे ज्यादा दिखा चुका है दोस्तों। और जैसा कि मैंने दिखाया 25% का ऑलरेडी अप मूव दे चुका है, इसीलिए दोस्तों बहुत अच्छी जगह है दोस्तों। और ये शेयर एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए अच्छा है। लेकिन दोस्तों देखिए ये जो गिरावट है ये खरीदारी का मौका दे रही है, तो आप थोड़े थोड़े के अमाउंट में एक्युमुलेट कर सकते हैं दोस्तों। ये छोटा सा वीडियो दोस्तों मेरे हैवेल्स इंडिया पे था, क्योंकि गिरावट बहुत ज्यादा हो रही थी और क्वेरीज बहुत आ रही थी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।